नमस्कार। कुछ ही दिनों पहले हमने फंडामेंटल एनालिसिस का एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, कैसे कंपनी का डिटेल मैनेजमेंट एनालिसिस करें, कैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ें, कैसे कंपनी का वैल्यूएशन निकालें और कैसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंपनी को चुनें। इस कोर्स के जरिए हमारी ये कोशिश है कि आप सभी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बने, यानी आप किसी के रिकमेंडेशन टिप्स और शेयर टिप्स पर डिपेंड रहने की बजाय खुद ही कंपनी के एनालिसिस करके शेयर्स चुनें। ये कोर्स लॉन्च करने के बाद आप में से कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि इस कोर्स का एक डेमो हमें जरूर दिखाएं, और इसीलिए हम आज आपको इस कोर्स का एक डेमो दिखाने वाले हैं। और इस कोर्स का डेमो शुरू होता है यहाँ से। फंडामेंटल एनालिसिस की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। फंडामेंटल एनालिसिस के इस पहले लेक्चर में हम बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और वो कैसे काम करता है। आसान भाषा में और एक सेंटेंस में बताओ तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी बिजनेस को समझना और उसे परखना। देखो, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हैं। इन्वेस्टिंग करते वक्त आपको इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना होता है, और सिमिलरली बिजनेस करते वक्त आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना होता है। एक दूसरे के बिना ये दोनों भी अधूरे हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। यूजुअली लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रेशोज का एनालिसिस करना आ गया और वैल्यूएशन निकालना आ गया तो वो अच्छे और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएंगे, पर ये सच नहीं है। ये तो बस सिक्के की एक साइड है। दूसरी साइड में बिजनेस के ऑपरेशन से जुड़ी चीज़ें आती है, जैसे कि मोट यानी कम्पिटिटिव एडवांटेज, बिजनेस स्ट्रेटेजीज, कंपनी के मैनेजमेंट का, कंपनी को चलाने का तरीका एटसेट्रा। और इन्हें समझने के लिए आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि आई एम अ बेटर इन्वेस्टर बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई एम अ बेटर बिजनेसमैन बिकॉज आई एम एन इन्वेस्टर। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में सक्सेस हासिल करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट और बिजनेस, इन दोनों से जुड़े स्किल्स सीखने होंगे, और इस फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में हम इन दोनों चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस को इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, और बाद में हम इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम, जिन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये बुक लिखा है और जिन्हें मिस्टर वॉरेन बफेट अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने 1920s और 1930s में कंपनीज के फंडामेंटल पर रिसर्च करना शुरू किया और फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से कंपनीज को परखना शुरू किया। आगे चलकर मिस्टर वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, इन जैसे कई इन्वेस्टर्स ने फंडामेंटल एनालिसिस का अप्रोच यूज करके सक्सेस हासिल किया। फंडामेंटल एनालिसिस में जो भी फैक्टर्स आते हैं उन्हें बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, जिन्हें आप क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कह सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रेटेजी, कम्पिटिटिव एडवांटेज एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें आप नाप नहीं सकते। वही क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशोस, ये सारी चीज़ें आती हैं। जनरली हम देखते हैं कि लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस से अपना एनालिसिस शुरू करते हैं, और कुछ साल पहले तक लोगों का ज़्यादातर फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रेशोस पर रहता था। अब 10-15 साल पहले की या उससे पहले की जितनी भी इन्वेस्टमेंट पर लिखी हुई किताबें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज पर दिया गया है तो वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस पर दिया गया है। पर आपको बता दूं कि अब जमाना बदल गया है, बहुत बदल गया है। कुछ अच्छे बदलाव आए हैं तो कुछ बुरे बदलाव आए हैं। अगर आप पिछले 10-15 सालों में हुई फाइनेंशियल एक्टिविटीज और बिजनेसेस पर नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10-15 सालों में बिजनेसेस में अनइथिकल यानी अनैतिक और गलत एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई है, स्पेशली इंडिया में तो बहुत बढ़ गई है। इंडिया के लॉज और सेबी उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए अगर इंडिया में किसी कंपनी के प्रमोटर्स कोई अनइथिकल एक्टिविटी करते हैं या फ्रॉड करते हैं तो उन्हें कम सजा मिलती है, और आम इन्वेस्टर्स को वो स्टॉक गिरने से ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये चीज हमने सत्यम कंप्यूटर में देखी है, गीतांजलि जेम्स जो कि नीरव मोदी के अंकल मेहुल चौकसी की कंपनी है उसमें देखी है, और अभी रिसेंटली लील इलेक्ट्रिकल्स और पीसी ज्वेलर में देखी है, और इनके साथ ही न जाने कितनी कंपनीज में देखी है। ये जितनी भी कंपनीज अभी मैंने बताई उसमें इन्वेस्टर्स को जो लॉस हुआ है वो मेनली उन कंपनीज के प्रमोटर्स की अनइथिकल एक्टिविटीज की वजह से हुआ है। मैंने ऐसी कई सारी कंपनीज देखी है जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो स्ट्रांग थे पर उनका मैनेजमेंट दुनिया भर की अनइथिकल एक्टिविटीज करता था। पहले ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग है, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अच्छे हैं और वो कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है तो लोग उसे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट समझते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के जमाने में इन सारी चीजों के अलावा उस कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्ट यानी ईमानदार होना बहुत बहुत जरूरी है। आज के डेट में ऑनेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज बन गया है जिस पर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर किसी कंपनी की सारी चीजें सही है
ग्रोथ सही है, वैल्यूएशन सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी है और बाकी सब भी अच्छा है, पर अगर कंपनी का मैनेजमेंट ही ऑनेस्ट नहीं है तो उस कंपनी की और आपके इन्वेस्टमेंट की कब बैंड बच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और आजकल यही सब हो रहा है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ हो रहा है। इसलिए एक रूल हमेशा याद रखिए कि किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते वक्त उसके मैनेजमेंट एनालिसिस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मैनेजमेंट एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पर हुई एक गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेरने के लिए काफ़ी है। सो अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हो तो पहले उस कंपनी के मैनेजमेंट का एनालिसिस करो और उसके बाद बाकी सारी चीज़ों का एनालिसिस करो। नहीं तो कई बार ये होता है कि आप पूरी कंपनी का एनालिसिस कर लेते हो और आखिर में मैनेजमेंट एनालिसिस करते वक्त आपको पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, जिससे आपकी पूरी मेहनत बेकार जाती है। इसलिए अगर आप किसी इंडियन कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो तो मैनेजमेंट एनालिसिस से शुरुआत करो। और इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज के दूसरे पार्ट में हम मैनेजमेंट एनालिसिस को डिटेल में और कुछ केस स्टडीज के साथ समझेंगे। आशा करता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस का ये पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगले पार्ट में हम मैनेजमेंट एनालिसिस से जुड़े बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें हमारे YouTube चैनल के किसी भी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स का एक डेमो। अगर आपको ये डेमो पसंद आया है तो ज़रूर इस कोर्स को सब्सक्राइब करें और पूरा फंडामेंटल एनालिसिस सीखें और ये भी सीखें कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंपनी को चुना जाता है। इस कोर्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके या कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।